हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ लर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, और यू कैन आल्सो से इट्स प्रोग्रामिंग प्रोसेस। तो जब भी हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, और यू कैन से हमने जब भी कोई प्रोग्राम बनाना है, तो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए वी हैव टू फॉलो अ नंबर ऑफ स्टेप्स, एंड दीज स्टेप्स आर जनरली नोन एज प्रोग्रामिंग प्रोसेस और प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। तो लैंग्वेज हम कोई भी यूज़ करें तो जनरली वी फॉलो दी स्टेप्स, एंड इन स्टेप्स को देखने के बाद आपको प्रोग्रामिंग प्रोसेस के बारे में नॉलेज मिलेगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है एक क्रिएटिव प्रोसेस है, और इसके कोई वेल डिफाइंड रूल्स नहीं है। इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम कि हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, बट फिर भी हम कुछ जनरल स्टेप्स करेंगे। एंड जो प्रोग्राम राइटिंग है, प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम जो है, उसको कोडिंग कहते हैं। एंड सबसे पहले आपने माइंड में ये चीज़ लेके आनी है, जो कोडिंग है मीन्स जो प्रोग्राम लिखना है, वो पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का जस्ट एक पार्ट है। सो कोडिंग से पहले आपके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए, ओनली देन आप उसका प्रोग्राम बना पाएंगे। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, बट सभी मेथड में एक चीज़ कॉमन है कि जो बिगर प्रॉब्लम है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, एंड जो ये पार्ट्स हैं इनको हम सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं, और जो पार्ट्स हम बनाएंगे दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज। चाहे मीन्स वो लैंग्वेज आप सी कर रहे हो, सी प्लस प्लस या जावा कर रहे हो, तो आप डिफरेंट पार्ट्स को ईजिली मैनेज कर सकते हो। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। इट स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ ए प्रॉब्लम, देन टास्क एनालिसिस, डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम, टेस्टिंग ऑफ एल्गोरिदम, देन कोडिंग, टेस्टिंग, डीबगिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस एंड एनहांसमेंट। सो हम ये स्टेप्स वन बाय वन करेंगे, और इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं दो एग्जांपल्स कोट करूँगा। एक मैं सिंपल सी एग्जांपल लूँगा, बेसिक स्मॉलर एग्जांपल। दिस इज यू हैव टू मेक ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स की एडिशन का आपने एक प्रोग्राम बनाना है। एंड सेकेंड जो मैं एक बिगर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दैट इज़ you have to say make a project or you can say software for a library. आपने एक library को automate करने का program और you can say software बनाना है। तो program जो है set of instructions होता है to solve a particular problem using computer. So let us see with these two examples our problem solving technique. तो मेरा सबसे पहला step है problem analysis. प्रॉब्लम एनालिसिस में मेरा फोकस रहेगा व्हाट के ऊपर। तो यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाट। तो प्रॉब्लम एनालिसिस के में आई विल कंसंट्रेट व्हाट इज़ टू बी डन, कि मैंने करना क्या है। मेरे को प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए, मैंने पूरी तरह प्रॉब्लम समझनी है इसमें, एंड आई शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ टू बी डन, उसको कैसे करना है, वो अगला स्टेप है। तो प्रॉब्लम एनालिसिस जो हम करते हैं, इसको डेफिनेशन फेस भी कहते हैं। एंड इसमें जैसे मैंने बताया कि हमने कॉन्सेंट्रेट करना है व्हाट इज़ टू बी डन, लाइक जो मैं कह रहा हूँ कि सम ऑफ टू नंबर्स, तो मेरे को पता होना चाहिए कि सम क्या चीज़ है एंड नंबर्स क्या होते हैं। तो मैंने दो नंबर्स को प्लस करना है, सम करना है, सम का मेरे को मीनिंग क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली जब आप लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आप लाइब्रेरी विजिट करोगे, वहाँ पर आप देखोगे कि आपने करना क्या है, किस चीज़ को आपने ऑटोमेट करना है। तो जो सिंपलर प्रॉब्लम्स हैं उनमें प्रॉब्लम एनालिसिस कैन बी डन विद इन सेकेंड्स और मिनट्स, वेयर एज जो बिगर प्रॉब्लम है उनमें इट मे टेक डेज और इट मे टेक मंथ्स टू एनालाइज द प्रॉब्लम। जब आपने एक बार प्रॉब्लम एनालिसिस कर ली, मीन्स आपको समझ में आ गया कि आपने करना क्या है, तो व्हाट से हम मूव करेंगे अब हाउ की तरफ, कि उसको करेंगे कैसे। दिस इज नोन एज टास्क एनालिसिस। तो टास्क एनालिसिस में हम अपना माइंड अप्लाई करेंगे, हम अपनी जो हमारे पास एक्सपीरियंस है वो अप्लाई करेंगे, जितना भी हमने लर्न किया हुआ है तो वो लगा के हम देखेंगे कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसा आएगा। और समटाइम ये भी हो सकता है कि एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस हों, देर में भी अल्टरनेट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, सॉल्यूशन वन है, सॉल्यूशन टू है, सॉल्यूशन थ्री है। तो इन सॉल्यूशंस को हम कंपेयर करके इनमें से बेस्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट कर लेंगे, एंड ऑल दीज थिंग्स आर डन इन अवर माइंड और वी कैन नोट इट डाउन ऑल्सो, एंड दिस इज कॉल्ड टास्क एनालिसिस।
तो टास्क एनालिसिस के बाद, टास्क एनालिसिस तक हम, मुझे पता चल गया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और मुझे वो कैसे सॉल्व करनी है। तो उसी सॉल्यूशन को अगर मैं एक रिटन फॉर्मेट में ले आऊं तो दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम डेवलपमेंट। तो इन एल्गोरिदम डेवलपमेंट वी हैव टू राइट द स्टेप्स एंड दी स्टेप्स आर जनरली फ्री फ्रॉम द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये सिंपल इंग्लिश में लिखे जाएंगे एंड दी स्टेप्स जो हम इनको रिटन फॉर्मेट में लेके आएंगे तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या है? इट इज कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। लाइक जैसा मैंने सम फाइंड आउट करना है तो सम के लिए मैं स्टेप्स ऐसे लिख सकता हूँ, स्टार्ट, देन मैं दो नंबर इनपुट करूँगा, इनपुट टू नंबर्स, नंबर्स लाइक मे बी एक्स एंड वाई, देन मैं सम फाइंड करूँगा, सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एंड देन आई विल डिस्प्ले और यू कैन से प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम एंड दिस इज माई एंड ऑफ द एल्गोरिदम। अब इसी एल्गोरिदम को अगर हम डिफरेंट शेप बॉक्सेस में लिखें और एक डायग्राम बनाएं देन दैट डायग्राम इज नोन एज अ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या है? इट इज़ ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन विच स्टेप्स आर ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट शेप ऑफ बॉक्सेस। सो एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के बारे में सब्सिक्वेंट वीडियोज में भी हम डिस्कस करेंगे, दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन। दिस इज लाइक एल्गोरिदम। अब अगर इसी का मैंने फ्लो चार्ट बनाना है तो फ्लो चार्ट में आई हैव टू राइट दी स्टेप्स, बट उसके लिए जो ये बॉक्सेस की शेप है दैट इज फिक्स्ड वन। लाइक स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए यू विल यूज ओवल शेप बॉक्स, एंड इनपुट एंड आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज होगा, देन प्रोसेसिंग के लिए वी यूज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक दिस इज सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एंड अगेन आउटपुट के लिए आई अगेन यूज पैरेललोग्राम लाइक दिस इज प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम, एंड स्टॉप करने के लिए अगेन आई विल यूज द ओवल शेप बॉक्स। सो दिस इज माई एल्गोरिदम एंड दिस इज माई फ्लो चार्ट टू फॉर फाइंडिंग सम ऑफ टू नंबर्स। सिमिलरली अगर मेरी प्रॉब्लम बिगर भी है तो उसके लिए भी मैं एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बना सकता हूँ। सो आफ्टर राइटिंग दीज एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज टू टेस्ट द एल्गोरिदम। क्योंकि अगर एल्गोरिदम टेस्टिंग, टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने चेक करना है कि जो मैंने एल्गोरिदम लिखा है या जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है तो उसमें कोई एरर तो नहीं है, और वो अगर मैं कोई डाटा दूँ जिसकी मेरे को आउटपुट पता है तो उसके, अगर मैं उसके ऊपर अप्लाई करूँ तो वो ठीक रिजल्ट देगा या नहीं देगा। क्योंकि अगर एल्गोरिदम में हमारे कोई एरर होगा तो इट विल बी अकोमुलेटेड इन द प्रोग्रामिंग, बट अगर वो अभी डिटेक्ट हो जाएगा देन इट विल मेक अवर प्रोग्राम एरर फ्री। सो मेन पर्पस क्या है? इसमें हम जितने भी लॉजिकल एरर्स हैं वो अर्ली स्टेजेस के ऊपर ही फाइंड कर लेंगे, राइट? अगर हमारा एल्गोरिदम ठीक वर्क कर रहा है फॉर बोथ फॉर द नॉर्मल डाटा एंड एबनॉर्मल डाटा, ओनली देन हमारा जो प्रोग्राम है वो ठीक बनेगा। अगर हमारे एल्गोरिदम या हमारे लॉजिक में ही कोई प्रॉब्लम है देन अवर जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें डेफिनेटली एरर्स आएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज कोडिंग। टिल नाउ जो हमने फर्स्ट फोर स्टेप्स किए हैं तो इन दीज फोर स्टेप्स वी हैवंट यूज्ड एनी कंप्यूटर और वी हैवंट यूज्ड एनी प्रोग्रामिंग। तो जो प्रोग्रामिंग है वो कोडिंग के ऊपर आके यूज होगी। इन कोडिंग वी विल यूज सर्टन लैंग्वेज टू राइट द इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। जैसे हम इसमें लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, जावा कोई भी यूज कर सकते हैं। तो वो हम उस लैंग्वेज का सिंटेक्स यूज करेंगे एंड टू राइट द प्रोग्राम यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज कोडिंग, एंड जो हम लिखेंगे दैट इज नोन एज कोड, सोर्स कोड भी बोलते हैं उसको। तो प्रोग्रामिंग कैन बी सी, सी प्लस प्लस और जावा, एंड प्रोग्राम कैन बी रिटन बाय यूजिंग कंप्यूटर लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट लेवल। तो इनमें लैंग्वेजेस डिफरेंट टाइप्स की होती है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इन विच प्रोग्रामिंग इज डन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्मेट, जीरो एंड वन की फॉर्म में। असेंबली लैंग्वेज में वी यूज सर्टन कोड्स, एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस आर लाइक सी प्लस प्लस, जावा, इन विच प्रोग्रामिंग इज डन यूजिंग सिंटैक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। अब हम कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, इट विल डिपेंड अपॉन योर एप्लीकेशन एरिया कि हम किस एरिया में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, देन हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा अवेलेबल है, और जो प्रोग्रामर है उसकी एक्सपर्टीज किस में है। तो बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स वी कैन यूज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लाइक हमने अगर सी चूज कर ली तो वी हैव टू लर्न द सिंटैक्स ऑफ सी लैंग्वेज,
तो सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम सी लैंग्वेज ही लर्न करेंगे. नो वंस यू हैव रिटन द प्रोग्राम, जो आपने लिखा है दैट इज कॉल्ड कोड. नाउ कोड इज रिटन इन सिंपलर लाइक हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे सी में हम लिख रहे हैं इन टेक्स वाई, दीज टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस विल बी रिटन. बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है ओनली बाइनरी लैंग्वेज को. सो वी हैव टू कन्वर्ट दीज इंस्ट्रक्शन इन टू बाइनरी लैंग्वेज, एंड फॉर दीज कन्वर्जन वी नीड अ सॉफ्टवेयर विच इज जनरली कॉल्ड ट्रांसलेटर, और सी में जो हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कंपाइलर. तो कंपाइलर क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को 01 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, मीन्स ऑब्जेक्ट कोड प्रिपेयर करेगा उसका. एंड जब हम ये ऑब्जेक्ट कोड कंपाइलेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो इट मे हैपन कि प्रोग्राम में कहीं एरर आ जाए, कोई एरर हो उसमें, देन दैट सिंटेक्स एरर इज डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर. सिंटेक्स एरर आपका कंपाइलर डिटेक्ट करेगा, लॉजिकल एरर जो प्रोग्रामर है उसको खुद चेक करने पड़ेंगे. अगेन एरर्स की जो डिटेल है हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में करेंगे कि एरर कितने टाइप के हैं. तो सपोज प्रोग्राम में कोई भी एरर आ रहा है एंड दैट एरर इज डिटेक्टेड बाय कंपाइलर और डिटेक्टेड बाय द प्रोग्रामर, देन एरर इन कंप्यूटर इज नोन एज बग, एंड टू रिमूव एरर इज कॉल्ड डीबग, एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर इज नोन एज डीबगिंग. तो जो भी एरर आएंगे उनको रिमूव करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीबगिंग. और अगर हमारा प्रोग्राम चल रहा है तो वी हैव टू चेक कि प्रोग्राम वो ठीक वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है. तो उसके लिए हम जो रिजल्ट्स प्रोग्राम दे रहा है हमें कैलकुलेट करके और जो आने चाहिए, अब हम उनको कंपेयर करेंगे. जैसे सम का मैंने प्रोग्राम बनाया है तो आई नो 10+20 मेरा 30 आना चाहिए. तो मैं जब इनपुट करूँगा 10 और 20, अगर तो मेरा रिजल्ट 30 आ रहा है तो इट मीन्स प्रोग्राम एक्यूरेटली वर्क कर रहा है. बट अगर मेरा रिजल्ट 30 नहीं आ रहा, डिफरेंट आ रहा है, तो इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन द प्रोग्राम एंड दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग. तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा के साथ उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी प्रोग्राम की. मीन्स टेस्टिंग के डिफरेंट राउंड्स हो सकते हैं. लाइक अगर हमारा लाइब्रेरी वाला प्रोजेक्ट है तो जब हम उसकी कोडिंग करके टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग कैन बी डन एट से प्रोग्रामर लेवल, एट यूज़र लेवल. अलग अलग पर्सन्स उसको चेक करेंगे कि जो जो लाइब्रेरियन ने या जो जो मीन्स इंस्टीट्यूशन ने बोला था कि वो सब कुछ उसमें ऐड हुआ है या नहीं हुआ, दिस इज़ डन बाय यूजिंग द टेस्टिंग फेस. नाउ जो सिंपलर प्रोग्राम्स हैं लाइक टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स, एरिया एटसेट्रा, ऐसे प्रोग्राम्स हैं, तो दैट आर इन दोज प्रोग्राम जनरली हम यहाँ तक ही करते हैं प्रोग्रामिंग. बट जो बिगर सॉफ्टवेयर है तो उसमें ये तीन स्टेप मस्ट हैं एंड ये करने पड़ेंगे. दीज आर यूज फॉर दी मेकिंग बेटर सॉफ्टवेयर्स. तो लाइक आपने एक सॉफ्टवेयर प्रिपेयर कर दिया, बना दिया, एक डिवेलप कर दिया, यू हैव रिटन ऑल दी प्रोग्राम्स, यू हैव रिटन ऑल दी कोड्स. नाउ जब ये सॉफ्टवेयर आपने यूज़र को हैंड ओवर करना है, देन आपने यूज़र को बताना है कि वो सॉफ्टवेयर जो कैसे वर्क करेगा, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी क्या मीनिंग है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, मीन्स हाउ टू ऑपरेट दैट सॉफ्टवेयर. तो हाउ टू ऑपरेट दैट सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़र को एक बार बता दोगे वर्बली, देन इट्स ओके. बट आफ्टर सम टाइम अगर कोई यूज़र चेंज हो रहा है, देन आपको उसको दोबारा बताना पड़ेगा. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, वी कैन गिव हिम सम रिटन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट और अबाउट द सॉफ्टवेयर. जो भी हम रिटन इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट द सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट, एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन. तो जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज अवर डॉक्यूमेंटेशन. तो प्रोग्राम डेवलपर जो है ये यूजर को प्रोवाइड करेगा, राइट. इससे क्या होता है कि यूज़र को सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना इजी हो जाएगा. एंड इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये भी है कि अगर कल को कोई इसमें मॉडिफिकेशन करनी है तो जो डेवलपर है, अगर वो चेंज भी हो रहा है, मींस प्रोग्रामर अब वो अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह पे कोई और है, तो आफ्टर रीडिंग द डॉक्यूमेंट्स जो नया प्रोग्रामर है उसको सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी. देन नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन. अगेन इम्प्लीमेंटेशन इज डन इन केस ऑफ बिगर सॉफ्टवेयर, लाइक जैसे मैंने लाइब्रेरी का एक प्रोजेक्ट बनाया, देन आई हैव टू इंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर ऑन मशीन्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी.
सिमिलरली अगर आपने एक बैंकिंग का प्रोजेक्ट बनाया है तो जो बैंक के कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर उसको इंस्टॉल करना है, बैंक में इंस्टॉल करोगे, एंड दिस स्टेज इज नोन एज इम्प्लीमेंटेशन। तो जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, राइट। तो एंड यूजर की मशीन पे हमने प्रोग्राम चला के उसको दिखाना है, और यहां पे आपकी जो है फाइनल टेस्टिंग होगी। फाइनल टेस्टिंग कैसे होगी, जैसे आपने बैंक में कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो जब बैंकिंग पर्सन उसको यूज करेंगे, अगर तो वो सॉफ्टवेयर पूरा ठीक चल रहा है देन इट्स ओके, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है देन दे विल अगेन कॉल अप द डेवलपर्स, जो डेवलपर है जो टीम है उनको वो कॉल अप करेंगे और जो प्रॉब्लम्स है वो अपनी बताएंगे। एंड जो ये ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स को दैट विल बी मॉडिफाइड और अपडेटेड, जितनी भी फीडबैक उनको मिलेगी डेवलपर्स को, उस डेवलपर के बेस उस फीडबैक पे बेस पे जो डेवलपर्स हैं उस सॉफ्टवेयर को या तो मॉडिफाई करेंगे या अपडेट करेंगे, एंड दिस मॉडिफिकेशन एंड अपडेशन फेज इज जनरली नोन एज मेंटेनेंस एंड एनहांसमेंट। सो जब एक बार प्रोग्राम आपका इम्प्लीमेंट हो चुका है तो उसको हम मेंटेन करते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट्स एंड फीडबैक ऑफ दी यूजर्स। तो अगर कोई एरर्स ऐसे हैं जो मीन्स टेस्टिंग टाइम पे मिस हो गए और लेटर ऑन डिटेक्ट हो रहे हैं, तो वो भी फिक्स करना, उनको डिटेक्ट करके उनको फिक्स करना एंड उसको अपग्रेड करना, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अगेन डेवलपर, जिस टीम ने उसको डेवलप किया है। तो सॉफ्टवेयर के जैसे आप सुनते हैं कि न्यू वर्जन्स आर अवेलेबल, तो वो न्यू वर्जन इज़ जनरली अपडेशन ऑफ द ओल्डर वर्जन। सो दीज आर दी जनरली स्टेप्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग प्रोसेस, एंड इसमें कई स्टेप्स हैं लाइक टेस्टिंग, डीबगिंग, देन एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, अनदर इज एरर्स। तो इनकी डिटेल हम करेंगे, दिस इज जनरली फॉर अंडरस्टैंडिंग की प्रोग्रामिंग में होता क्या है। एंड वेन यू स्टार्ट मेकिंग प्रोग्राम्स इन सी और सी प्लस प्लस यू विल अंडरस्टैंड दी स्टेप्स बेटर। सो फर्स्ट लर्न दी स्टेप्स एंड देन जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे यू विल सी दी स्टेप्स आर इम्प्लीमेंटेड वन बाई वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सेशन। अगर आपको पूरा क्लियर हुआ है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।